तो फाइनली गाइस बजाज ट्रम्प स्पीड 400 के प्राइस रिवील कर दिए गए हैं, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई थी और बजाज और ट्रम्प ने कोलैब करके इस बाइक को लॉन्च किया है। तो ये बाइक एक क्रूजर बाइक है, आप इसे ऑफ रोड भी बोल सकते हैं, और जिसे एडवेंचर का शौक है वो इस बाइक को ज़रूर ले सकता है, क्योंकि उसके लिए ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी माउंटेन्स के लिए एंड एडवेंचर के लिए और ऑफ रोड के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसके इंजन की, फीचर की, माइलेज की, टॉप स्पीड की और प्राइस की। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। और कलर भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलने वाले हैं, आपको 3 कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे और एक ही वेरियंट अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इंजन की बात करूँ तो इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, कम्प्लीट लुक इसका दिया गया है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। चाहे आप साइड पैनल देख लें, चाहे आपका सीट देख लें, चाहे आप इसका साइलेंसर देख लें, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी का साइलेंसर दिया हुआ है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और जितने भी इंजन पार्ट हैं इसके खुद ट्रम्प ने मैन्युफैक्चर करके बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है इसके इंजन काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए फ्रंट प्रोफाइल लुक से मैं इसकी बात करता हूँ, तो फ्रंट में आपको फुल्ली डिजिटल LED DRL मिलने वाली है लो हाई बीम में। और टेल लाइट की बात करूं तो वो भी आपको LED मिलने वाली है, उसमें भी LED यूज़ हुई है। और इंडिकेटर भी आपको चारों LED इंडिकेटर मिलने वाले हैं, कहीं भी हाइलोजन बल्ब का यूज़ नहीं किया गया है। तो गाइस फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो 43mm के अपसाइड डाउन बिग पिस्टन फॉक्स 140mm के सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं। और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो गैस मोनोशॉक RSU प्री लोडेड 130mm एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बात करता हूँ इसके फ्रंट ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे फ्रंट में भी आपको डिस्क मिल जाएगी और रियर में भी डिस्क मिलने वाली है, यानी दोनों में आपको डिस्क मिलने वाली है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी 300mm की और रियर में आपको डिस्क मिलने वाली है 230mm की। और व्हील की बात करूँ तो आपको व्हील यहाँ पे दोनों अलाउ मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको टायर मिल जाएगा 110/70/17 का और रियर में आपको टायर मिल जाएगा 150/60/17 का। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलने वाले हैं। और व्हील साइज की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको मिलेगा 140mm का व्हील साइज और रियर में आपको मिलेगा 130mm का व्हील साइज। तो चलिए अब बात करता हूँ इसके मीटर फीचर्स की, तो मीटर में आपको मिल जाएगा डिजिटल एनालॉग मीटर यहाँ पे मिलने वाला है, जो आपको फ्यूल गेज दिखा देगा। ट्रिप मीटर आपको 2 मिलने वाले हैं यहाँ पे और टैकोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा जिसमें आपको साइड स्टैंड लाइट मिल जाएगी, लो ऑयल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, क्लॉक आपको मिल जाएगी और DRL इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, इंडिकेटर लाइट आपको मिल जाएगी और हैंडल्स में आपको स्किल स्विच मिल जाएगा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इसमें मिलने वाला है। जी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको इसमें मिलने वाली है। तो इंजन की बात करता हूँ अब मैं इसकी, केस में कितने CC का इंजन है और ये कितना माइलेज देती है। गाइस इंजन आपको इसमें मिलने वाला है 398.15 CC सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि 39.5 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पर एंड 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। इसका बोर आपको मिलने वाला है 89mm का और स्टॉक आपको मिलने वाला है 64mm का। और इसमें आपको 5-speed गियर्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको मिलेंगे उससे भी ज़्यादा, यानी 6-speed गियर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो लाइक टॉप स्पीड की इसकी बात करूँ तो 150 km/h की इसकी टॉप स्पीड है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसके टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क भी मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक 37.5 Nm का टॉर्क ये जनरेट करेगी, जो कि इस बाइक को देखते हुए, क्रूजर बाइक को देखते हुए काफ़ी अच्छा है। और इसके टैंक की बात करूँ तो 13 L का टैंक आपको इसमें मिल जाएगा, जी हाँ 13 L का टैंक आपको इसमें मिल जाएगा। और माइलेज की बात करूँ तो 32 km/L का माइलेज ये आपको दे देगी, लाइक रॉयल एनफील्ड एंड जावा। तो वेट की बात करूँ तो ओवरऑल 176 kg का वेट आपको इसमें मिलने वाला है। और सीट हाइट की बात करूँ तो 790mm की सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। और गाइस जो इसमें आपको व्हील बेस मिलने वाला है वो है 1377mm का। तो इसका प्राइस रिवील कर दिया गया है, तो इसका प्राइस क्या होने वाला है एक्स शोरूम वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका प्राइस जो होने वाला है वो है 223,000 का, जी हाँ 223,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है, जो कि काफ़ी लो है और बहुत अच्छी सेगमेंट की ये बाइक है। इस प्राइस में मुझे नहीं लगता इस प्राइस में आपको ऐसे सेगमेंट की बाइक मिलेगी। तो आप इसे कंपेयर करना चाहें तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं BMW G310 से, KTM Duke 390 से, बजाज डोमिनार से, CV300R से। और ये बाइक एक गुड लुकिंग बाइक है, डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाएगा, कंफर्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग राइड के लिए ये अच्छी है और पिलियन के लिए कंफर्ट के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक 790 सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी।
और चौथी बात इसमें आपको मिलने वाला है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो गाइस इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी ट्रंप स्कैम्बलर 400X, अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो उसकी फुल डिटेल मैंने आप चैनल पे डाल दी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ डेली। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर जाना कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।